बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको आज की जो वज़ारत सेहत की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यानी कि जो आज को केस रिकॉर्ड हो चुके हैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के शुरू में ही ये बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा इसी चीज़ के ऊपर कि 53 मिलियन बंदों को यहाँ पर वैक्सीन कंप्लीट की जा चुकी है। आप बूस्टर शॉट की अपॉइंटमेंट ले लें, आप खुद से लगवा लें। अभी डेट्स वगैरह अगर अवेलेबल नहीं है तो चेक करते रहें, रोज़ आपको इंशाल्लाह ताला मिल भी जाएगी। तो आज के केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में फ्लैट्स और कर्फ्यू वगैरह के मतलब और जो न्यू बयान आ चुके हैं वज़ारत सेहत की तरफ उसके मतलब भी आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये केस देख लें। आज 5,362 क्रॉस कर चुके हैं केस, जो कि एक तश्वीशनाक खबर है। सिंपल सीधी बात है, मैं आप खुद इस चीज़ के ऊपर एग्री करता हूं कि ये अभी बड़ी खतरे की घंटी है। 5000 प्लस में जो केस रिकॉर्ड हो चुके हैं, मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूं, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी एक दो मिनट में ही। अच्छा, कुछ भाई ये भी मैंने सुना है कि आज से 10-15 दिन पहले ये भी बोल रहे थे कि जो परदेसी भाई हैं जी, अपने पास पैसे कुछ सेफ रखिएगा, आने वाले दिनों में कुछ मामला खराब होने वाले हैं। तो उनके लिए भी है जी, वो क्यों आपको पता है, वो इसलिए बोल रहे थे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, मैंने फ्लैट्स और कर्फ्यू के मुतालिक भी लिखा हुआ था कि उन बंदों का ये जहन था कि कर्फ्यू लगाया जा सकता है सऊदी अरेबिया में या फ्लैट्स बंद की जा सकती हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है कर्फ्यू या फ्लैट्स के मुतालिक। हाँ, कुछ पाबंदियां सख्त की गई हैं, जैसा कि आप अभी होटल में, एक सिंपल से होटल में भी भाई खाना खाने दाखिल होंगे ना, तो वो आपकी तवक्कल ना देखते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, बंदा बाहर बिठाया उन्होंने। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं, मैं जो अभी आपको बात बताने वाला था वो ये है भाई कि आपको इस चीज के ऊपर इल्म होना चाहिए खुद से कि दोनों डोज वैक्सीन की कंप्लीट की जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह 53 मिलियन अफराद को, जिनमें परदेसी भाई आप वीडियो देख रहे हैं आपने भी तकरीबन अभी तक दोनों डोज ले ली होंगी जी। दोनों डोज वैक्सीन की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दुनिया, यानी कि मैं बहुत सी दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वैसे भी बता चुका हूँ 53 मिलियन, क्योंकि दुनिया भाई दोनों डोज कंप्लीट कर चुकी है, बूस्टर की तरफ जा रही है। तो इन मामला को देखते हुए, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट करने के बाद बूस्टर डोज की तरफ आवाम जा रही है और लगाई भी जा रही है, इन मामलात को देखते हुए भाई वजारत सेहत कर्फ्यू या फ्लैट्स के मुतल्लक नहीं सोच रही है कि बंदों को दोनों डोज कंप्लीट हैं, बूस्टर शॉट की तरफ जा रखे हैं, ये जो केस आ रखे हैं कुछ दिनों में रिकवर हो रखे हैं। कुछ दिनों से मुराद मैं यहां पर ये भी आपको बता दूं, यो जिन बंदों को वैक्सीन लगी हुई है जी उनके 7 से 8 दिन में रिकवर हो रहा है वो बंदा, और जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है उसको 10 या 10 दिन से जायद का टाइम लग सकता है, यानी कि उस बंदे की कंडीशन थोड़ी खराब रहती है। ठीक है जी, ये होता है वैक्सीन का फायदा। तो वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह बंदों को लग चुकी है, बूस्टर डोज बंदे लगवा रखे हैं। इस चीज को देखते हुए कर्फ्यू या फ्लैट्स के मुतल्लक अभी तक कोई भी किसी किस्म की वजारत सेहत ना तो सोच रही है ना ही हमें कोई खबर मिल रही है।